इसी बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, हाल एसपी का बयान आया, शुरुआती जांच में आयोजकों की लापरवाही मानी है एसपी ने, बद इंतजामी के चलते हादसा हुआ है, ट्रस्ट के बैंक खातों की जांच जारी है, सेवादार मधुकर फंड एकत्र करता था इस बात को माना है। देखिए पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें तमाम बातों का जिक्र हुआ है, आपको सुनवाते हैं। देव प्रकाश एवं अन्य सेवादारों द्वारा पुलिस प्रशासन को कार्यक्रम स्थल के अंदर किसी भी तरीके के हस्तक्षेप से रोका जाता था। उक्त कार्यक्रम स्थल पर इनके सेवादार तरह तरह की वेशभूषा में, कमांडोज की ड्रेस में सारी व्यवस्थाएं देखते थे। कार्यक्रम स्थल पर किसी भी व्यक्ति की वीडियोग्राफी अथवा फोटोग्राफी करने से रोका जाता था। इस प्रकार उक्त व्यवस्था को सही तरीके से नहीं किया गया एवं प्रशासन द्वारा निर्गत अनुमति पत्र में वर्णित अनेक शर्तों का उल्लंघन करते हुए यातायात व्यवस्था इत्यादि को प्रभावित किया गया। पूछताछ से यह भी स्पष्ट हुआ है कि इनके द्वारा भीड़ को संभालने का कोई प्रयास नहीं किया गया तथा सभी मौके से फरार हो गए। इस प्रकार इस अभियुक्त एवं अभियुक्त के निर्देशन के कार्य कर रहे सेवादारों, जिनमें 6 सेवादारों को गिरफ्तार किया जा चुका है, द्वारा अव्यवस्था फैलाई गई जिसके चलते घटना घटी और कई जाने गई। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया है कि इनके और इनके सेवादारों द्वारा प्रवचनकर्ता की गाड़ी को भीड़ के बीच से निकाला गया, जबकि इनको इस तथ्य की जानकारी थी कि भीड़ से निकालने के समय चरण रज के लिए भगदड़ मचने से भयानक दुर्घटना हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह तथ्य भी गहराई से जांच की जारी है कि इस घटना के आयोजक सेवादारों द्वारा किसी के कहने या किसी के दुष्प्रेरित करने से तो ये नहीं कराई गई है एवं आवश्यकता अनुसार गिरफ्तार सेवादार आयोजकों को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ की जाएगी। उक्त अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को हाथरस की जनपदीय एसओजी द्वारा कल दिनांक 5/7/2024 को देर शाम नजफगढ़ दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है तथा थाना सिकंदराबाद पुलिस द्वारा आज दिनांक 6/7/2024 को अभियुक्त राम प्रकाश साखे को कैलाश कैलोरा चौराहा से तथा अभियुक्त संजू यादव को गोपालपुर कचौरी सिकंदराव से गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रारंभिक पूछताछ पर अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर द्वारा अवगत कराया गया है कि वह जनपद एटा में वर्ष 2010 से मनरेगा में जूनियर इंजीनियर के पद पर संविदा पर कार्यरत है। वह इस संगठन से वर्षों से जुड़ा हुआ है और इस संगठन के कार्यक्रम आयोजित कराना तथा संगठन के लिए फंड इकट्ठा करने का काम करता है। वह दिनांक 2/7/2024 को ग्राम फुलरई में आयोजित सत्संग के कार्यक्रम का मुख्य आयोजक था तथा इस कार्यक्रम की अनुमति उन्होंने ही ली थी। इस प्रकार अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर को इस घटना के बारे में 2 भूमिकाएं उनकी सामने आ रही हैं, पहली भूमिका मुख्य आयोजक के रूप में और दूसरी भूमिका फंड रेजर के रूप में। अभियुक्त देव प्रकाश मधुकर इस संगठन में काफी दिनों से जुड़े हुए हैं और संगठन के फंड रेजर का काम करते थे और संगठन को संचालित करना तथा सत्संग इत्यादि करने के लिए पैसा इकट्ठा किया करते थे। पूछताछ से यह भी पता चला है कि विगत तो देखिए हाथरस हादसे पर यूपी की सियासत अब गर्मा गई है। अखिलेश यादव लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के खिलाफ बोल रहे हैं तो इसके ठीक उलट मायावती सूरजपाल समेत आयोजकों पर कार्रवाई की मांग कर रही हैं। यानी विरोधी अपनी सुविधा के हिसाब से सियासत कर रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्य आरोपी गिरफ्तार, खुलेंगे राज, आरोपियों पर नकेल, बाबा जाएंगे जेल, भक्त पूछे बाबा का पता, 4 दिन कहा लापता, हाथरस कांड के 4 दिन बाद बाबा साकार रूप में अवतरित हुए और 121 लोगों की मौत पर दुख जताया। अब जरा सोचिए, जो बाबा अपने को विष्णु का अवतार बताता हो, चक्रधारी होने का दावा करता हो, वो भला क्यों पिछले 4 दिनों से छिपता फिर रहा है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं बाबा साकार हरि उर्फ सूरजपाल का बयान। 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें
विश्वास है, जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। चलिए, चार दिन से लापता बाबा कैमरे के सामने तो आए, लेकिन अब जरा बाबा साकार के वकील साहब की बात सुनी। बाबा क्यों इतनी देर में आए? आए तो जब आप लोगों ने कहा कि आना चाहिए तो वो आ गए। कानून का सामना करना चाहिए? कानून का सामना पूरी तरह से कर रहे हैं। नारायण साकार हिरी ना कानून से छुपे हुए हैं ना भागे। मैंने वादा किया था आपसे, भारत में है, कहीं होटल में नहीं मिलेंगे, कहीं आश्रम में ही हैं, और कहीं किसी के घर नहीं मिलेंगे। और फेस किया जो उनसे बन सका, जो उन्हें की इच्छा थी बोलने की, लेकिन मनः स्थिति उनकी खराब है, बहुत व्यथित हैं। आपने कहा, सवाल ये है कि बाबा अगर आश्रम में थे तो फिर अब तक सामने क्यों नहीं आए? वैसे ये बताया जा रहा है कि मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद बाबा को मजबूरन सामने आना पड़ा। 2 तारीख को हाथरस में सत्संग के दौरान हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में हाथरस पुलिस ने FIR दर्ज की। आरोपी के तौर पर मधुकर का जो है नाम उस FIR में लिखा गया, और 4 दिन बाद जो मधुकर की गिरफ्तारी अब हाथरस पुलिस द्वारा की गई। हालांकि इन 4 दिनों में लगातार हाथरस पुलिस द्वारा ये बोला जा रहा था कि मधुकर को पकड़ने के लिए 8 टीमें बनाई गई हैं, 40 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इसमें लगे हुए थे, लेकिन आखिरकार 4 दिनों के बाद अब मधुकर की जो गिरफ्तारी है वो इस मामले में की गई है। देव प्रकाश मधुकर की गिरफ्तारी के बाद से उसके घर में सन्नाटा पसरा है। जब हमारी टीम उसके घर पहुंची तो वहां कोई नजर नहीं आया। भगदड़ मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। दरअसल उनके वकील AP सिंह ने बकायदा दावा किया कि उन्होंने खुद से आत्मसमर्पण किया है, क्योंकि उनकी तबियत ठीक नहीं थी और दिल्ली में उनका इलाज चल रहा था। पर घर की तस्वीरें दिखाए हाथरस से तो उनके घर के बाहर अब भी ताला लगा हुआ है, अंदर परिवार के सदस्य नहीं है। ऐसे में कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हाथरस कांड में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। जुडिशियल कमीशन जांच में जुट गई है और लोगों से हाथरस कांड के तह तक जाने की कोशिश कर रही है। ANI को बाबा मिल जाता है, उत्तर प्रदेश की पुलिस को अब हटा देना चाहिए, उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री को हटा देना चाहिए, ANI को गृह मंत्री के रूप में कर लेना चाहिए। बाबा स्पष्ट रूप से सरकार पर भरोसा रखने की बात कर रहे हैं और सरकार बाबा के खिलाफ FIR नहीं कर रही। हाथरस कांड की जांच जारी है, मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और 4 दिनों से लापता बाबा सामने आ चुका है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द पता चल जाएगा कि हाथरस कांड हादसा है या साजिश। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।